अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अजीज अदीबा कराम और मुअज्ज़ज़ सन्यासी हजरात, आज मेरा मौजू है मुश्त जनी का इलाज। हमारे मुआशरे में ये एक बड़ा कभी फेल है जो हर तरफ हर घर में हर जगह पे आपको नज़र आएगा। बच्चे जब नौ उम्री में दाखिल होते हैं तो इस कभी फेल में बुरी सोबत की वजह से मुब्तला हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना बहुत सा नुकसान कर लेते हैं। हमारे माशरे में ऐसे बच्चों की रहनुमाई और सेक्स एजुकेशन का भी कोई अहतमाम नहीं है, जिसकी वजह से वो मुसलसल इस मसले में, इस बुरी आदत में मुब्तला होकर अपने आप को बर्बादी के दहाने तक ले जाते हैं। कुछ बच्चे ही या कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो मुश्तनी के इलाज के लिए अतिबा कराम से रजू करते हैं। ऐसे अफराद जो अतिबा के पास तशरीफ लाएं, उनके इलाज के लिए मैं रहनुमाई देता हूँ। सबसे पहले ऐसे मरीज के साथ नहायत हमदर्दी से पेश आए और याद रखें कि उसकी गलत आदत पर उसे शर्मसार न करें, बल्कि प्यार से समझा कर उसे इस बद फेल के बुरे असरात बताएं और आगाह करें, और जब वो इनके बुरे असरात को समझ जाए तो फिर उसे तोबा की ताकीद करें और उसके बाद उसका इलाज शुरू करें। इलाज के लिए कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले जिंसी अज़ा की ठिकोर करनी है। उस ठिकोर की वजह से जिंसी अज़ा में दौरान खून का रवानी बहाल हो जाती है और जो उसमें नकायस पैदा हुए हैं वो बेहतर होना शुरू होते हैं। तो ठिकोर करने के लिए जो सबसे पहले जो चीज़ें हैं उनमें आंबा हल्दी है 5 तोला, गुल केसु 5 तोला, रेवंद खताई 2 तोला, सुहागा सफ़ेद और गुल नीलोफर 1-1 तोला। इन सब को जोकोब कर लें, मोटा मोटा कूट लें और इसके 14 इन्हीं खुराकें या 14 पुड़ियाँ बना लें। एक पुड़िया 1 किलो पानी में अच्छी तरह उबालें। जब पानी तकरीबन आधा किलो या 2.5 पाव रह जाए तो उसको छान लें। अब मरीज के जेरे नाफ बाल साफ होने चाहिए, तो पेड़ू से ले के कजीब की जड़ तक और पूरे कजीब पर भी इस नीम गरम जुशांदे की ठिकोर करनी है। ठिकोर करने का तरीका ये है कि एक काटन का रुई रुई थोड़ी सी ले लें साफ, वो उस पानी में डुबो के वहाँ पर थोड़ी थोड़ी लगाते रहें। तो इस तरीके से मुकम्मल ठिकोर करें। जब सारा पानी ख़त्म हो जाए तो जिंसी अज़ा के ऊपर रुई लपेट कर, रुई की तह लगा के उसके ऊपर आपने पट्टी लपेट देनी है या साफ कपड़ा उसकी दोहरी चोहरी तय करके ऊपर बांध दें ताकि वो पट्टी उतरे ना। ये भी ठिकोर का हिस्सा है और ये 4 घंटे तक ये पट्टी ऊपर लगी रहे, और उसके बाद आपने पट्टी खोलनी है। फिर उसके बाद आपने ऐसा करना है कि सफ़ेद ग्लिसरीन जिंसी अज़ा पर चुपड़ दें, और ये सफ़ेद ग्लिसरीन वाला जो है ये 2 घंटे लगी रहे। ये काम आप सुबह शाम भी करें, यानी कि पट्टी के बाद भी करें, पट्टी से पहले भी एक दफ़ा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ग्लिसरीन लगाने के 2 घंटे बाद नीम गर्म पानी से इसको धो लें। ये अमल रोज़ाना करना है, ठकोर के बाद भी और पहले भी। ये पट्टी का काम और ये सफ़ेद ग्लिसरीन लगाने वाला काम, ये अमल 14 रोज़ मुसलसल करना है। इसके बाद आपने मरीज़ को खाने के लिए जरानोल देना है। जरानोल का नुस्खा सुन लें। समुंदर सोख 400 ग्राम, तुखमे और टंगन 300 ग्राम और ताल मखाना 300 ग्राम। इन सब को बारीक सफूफ कर लें। तो 5 ग्राम ये जरानोल का सफूफ हमरा नीम गर्म दूध सुबह शाम खाने से 1 घंटा पहले ये मुसलसल 1 माह दें। इससे ताज़ा मनी पैदा होना शुरू हो जाएगी। जो मनी का ज़िया हो चुका है आस्ता आस्ता वो पूरा होगा। तो जरानोल 1 महीना देने के बाद फिर 3 हफ्ते आपने मरीज़ को सफूफ सालम देना है। सफूफ सालम का नुस्खा भी सुन लें। इसमें सालम मिश्री, सालम पंजा, मूसली सफ़ेद हर 100 ग्राम, इलायची खुर्द 10 ग्राम और इन सब के हम वज़न छिड़का सुबोल है। इन तमाम चीज़ों को पीस लें, पहली 4 चीज़ों को, और छिड़का सुबोल उसमें मिला लें। ये आपका सफूफ सालम तैयार हो गया। ये 1 तोला आपने कम से कम 1.5 पाव या आधा किलो दूध में डाल के उसको पकाना है, और ये जब खीर सी बन जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा, तो ये मरीज़ को सुबह शाम देना है खाली पेट पीने के लिए। इस अमल से तमाम नकायस दूर हो जाएंगे। अगर कोई मामूली नुक्स रह भी जाए
तो उसके लिए फिर जंगजू की गोली आपने देनी है, एक गोली रोजाना सुबह 5 तोला मक्खन के साथ देकर ऊपर से नीम गर्म दूध भी पिलाएं। इस तरह इंतशार भी मुकम्मल हो जाएगा और सूरत अंसार वगैरह के मसाइल भी हल हो जाएंगे और तंदुरुस्ती कामल हासिल हो जाएगी। तो जंगजू का नुस्खा सुन लें, इसमें अकरकरा, अफ्यून, करनफल और अजराकी मुदब्बर जो पोस्त को आबे पोस्त को कनार में मुदब्बर किया हो, यानी आबे पोस्त को कनार के ताज़ा टोटे ले लेंगे, उनका पानी उसका निकाल के उसमें आप अजराकी को डबो दें और आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन गुजरेंगे तो जब नरम हो जाए तो निकाल के उनको कूट लें, बारीक पीस लें, ये मुदब्बर आपका तैयार है। अगर आपको ताज़ा कोकनार ना मिले तो खुश्क कोकनार लेके उसको पानी में उबालें और उस उबले हुए पानी में आपने ये अजराकी के जो बीज हैं उनको डुबो देना है 10 दिन 8 दिन रोजाना उनको लाते रहें और उसमें वो डूबे रहें, तो वो जब नरम हो जाए तो उनको निकाल के कूट लें तो ये भी आपका मुदब्बर तैयार हो जाता है। ये आपने इस नुस्खे में डालना है और इन तमाम अद्वियात को बारीक पीस के जो मैंने बताई है अकरकरा, अफ्यून, करनफल और अजराकी मुदब्बर, इनको बारीक पीस के हम इनमें शहद मिलाएं और शहद की मदद से इनकी गोलियां बना लें चने बराबर। ये आपकी जंगजू गोली तैयार है। ये इस ट्रीटमेंट का आखिरी हिस्सा है, इससे हर किस्म की कमजोरी भी दूर हो जाती है। मैं आपको अब मुख्तसरन इसका असूल इलाज बताता हूँ मुश्तनी के मरीजों का। सबसे पहले मुगलजात यानी मुगलज अद्वियात दें और मौलद मनी अद्वियात दें, उसके बाद मुसक्नात दें यानी उसकी जुकावत हिस्स और सूरत अंसार खत्म करने के लिए, और आखिर में मकव्वियात दें यानी उसमें शहवत की कमी या सख्ती की कमी है वो भी उससे पूरी हो जाएगी। तो ये इसका तरीका इलाज है। इस तरीके से आप इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा बच्चा मुश्तनी की तरफ भी माइल नहीं होगा और जो उसमें नकायस पैदा हो चुके हैं वो भी सारे इसके हल हो जाएंगे। इसके साथ इजाज़त, वस्सलाम।